सो हेलो गाइज, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में मैं तुम्हारे एक ऐसी फॉरेन मूवी लेके आया हूँ जिसमें कि ऋतिक रोशन ने अपना कैमियो दिया है। तो मैं माय फॉल्ट मूवी की बात कर रहा हूँ, जो कि एक स्पेनिश मूवी है जो कि तुम अमेजोन प्राइम पे जाके देख सकते हो। हिंदी डब भी है इसका, इंग्लिश डब भी है। अगर तुम स्पेनिश में देखना है तो स्पेनिश में देख लेना। तो इस मूवी में दो करेक्टर हैं, एक लड़का लड़की। जो लड़का है उसका नाम है गैब्रियल ग्यूवारा, अब प्रोनंसिएशन का मुझे पता नहीं, जो कि मूवी में जिसका नाम निक है। और जो लड़की है उसका नाम निकोल वैलेंस है, मूवी में उसका नाम नोआ है। तो इन दोनों का आपस में मूवी में स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर का रिलेशनशिप होता है। तो भाई जहाँ पे स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर आ गया तो तुम्हें पता ही है कि पॉर्न मूवीज़ ने क्या इमेज बना रखी है हमारी, उनके लिए तो वही काम होता है इस मूवी में भी। तो उसका प्रमाइस सिंपल सा ही है, जो लड़का होता है वो बहुत अमीर होता है और जो लड़की होती है मतलब गरीब घर से होती है, तो उनकी मम्मी पापा की शादी होती है, तो जिसकी वजह से ये दोनों अभी इस रिलेशन में आ जाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे होते और लड़का थोड़ा बैड बॉय टाइप सा होता है, पर बाद में ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। और लड़के की कुछ वो सीक्रेट्स टाइप से होते हैं कि बैक स्टोरी होती है, और लड़की की भी कुछ बैक स्टोरी होती है। तो अब मेरा क्या रिव्यू था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था इस मूवी के दौरान। तो ये मूवी मुझे कहाँ से मिली, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तभी वहीं पे एक रील आई इस मूवी की, और काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार रील थी। और उसका कमेंट सेक्शन में भी भाई अच्छी लोगों ने बात की थी इस मूवी के बारे में, अच्छे कमेंट्स थे। तो मैंने लगा क्यों ना एक ट्राई दें इसे। और ऊपर से ये वॉर्डपैड की स्टोरी थी, और वॉर्डपैड का तो तुम्हें पता ही है कि वो कैसी स्टोरीज के लिए जाना जाता है। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे, पर जैसे एक दूसरे को पसंद करने लगे ये भाई, वहाँ से मेरे लिए स्टोरी होगी एकदम फीकी। मज़ा आ रहा था स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मज़ा, बाद में भी ठीक ठीक थी स्टोरी, पर मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगी। एंडिंग भी ठीक ठीक थी, पर एंडिंग में उन्होंने बता दिया कि इसका पार्ट टू भी आएगा। अब ये मूवी तुम्हें देखनी चाहिए कि नहीं, अगर तुम्हें आफ्टर किसिंग बूथ जो कि वार्डपैड की स्टोरी है, तो तुम्हें ये मूवीज़ बहुत मज़ेदार लगी, इंटरेस्टिंग लगी, मज़ा आया तुम्हें देखने में, तो ये मूवी मैं तुम्हें पक्का रिकमेंड करता हूँ, तुम जाके इसको देखो। पर अगर तुम ऐसी मूवीज़ को नहीं पसंद करते जो कि ड्रामा लव टाइप की हो, और तुम हायर लीग के इंसान हो जैसे कि शॉशैंक रिडेम्पशन, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, फाइट क्लब, तो भाई तो तुम वीडियो ये भी बंद कर दो, तुम्हें ये रिव्यू देखना ही नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारे लिए भी आ जाएगी, रिकमेंडेशन लेके आऊँगा, अगर मुझे कोई ऐसी मूवी मिलती है तो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगा, पर ये तुम्हारे लिए मूवी नहीं है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ।